जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, MP में जेल प्रहरी की सीधी भर्ती निकली है, जिसकी जो क्वालिफाई है, जो आपका एजुकेशन है, वो है 12वीं पास। 12वीं पास जितने भी छात्र हैं वो इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, आप लोगों के लिए एक विकल्प होता है। तो सबसे पहला जो आपका कदम होना चाहिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए, कि आपको इसका मैटर समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। अभी प्रश्न कहाँ से समझें, तो आपको अध्ययन करना है ओल्ड पेपर 2018-2017 के जो ओल्ड पेपर हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये पेपर जो होता है जेल प्रहरी का, वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न इसमें आते हैं, है ना। तो 20 आज हम हिंदी के 20 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, और हिंदी के किस प्रकार के ये 20 प्रश्न आते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हिंदी आपने पढ़ी है, आपको इनके उत्तर भी बताना है, साथ ही अंदाज लगाना है कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं, और मैं इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक वाइज हिंदी का सारा कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को हमें चुनना है। अत्यधिक के लिए आप सही संधि विच्छेद चुनेंगे तो जल्दी से बताएं, आपके पास है 4 विकल्प। सबसे पहला है अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्याधन अधिक, अति धन अधिक। ये 5 विकल्प हैं, 5 में से आपको चयन करना है, ठीक है। तो सभी लोग चयन करके उत्तर अपने अपने बताएंगे। अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, अति धन अधिक, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर कौन सा है, 4, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अति धन अधिक और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे संधि नहीं बनती है तो मैंने संधि की वीडियो बनाए हैं, संधि को मैंने ट्रिक से भी आपको समझाया है, ट्रिक बताई है ना। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप विस्तार से भी मैंने संधि को बताया है, तो आप विस्तार वाली वीडियो भी देख सकते हैं और संधि की ट्रिक वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो संधि का वीडियो आप अवश्य देखें, और इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ठीक है। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, मंत्रिमंडल का बताना है। जो भी हमारे साथी जेल प्रहरी से संबंधित हैं वो कृपया कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। जो आपकी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देखें, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, ठीक है, और आपकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, और निरंतर आपको तैयारी करवाई जाएगी ओल्ड पेपर की, है ना। मटेरियल भी आपको नोट्स के माध्यम से दिए जाएंगे। आपके सामने आपका दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है, सभी लोग बताएंगे। जेल प्रहरी मतलब जेल में प्रहरी का काम होता है, वो भी पुलिस की भर्ती है। तो मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, 4 विकल्प है हमारे सामने। एक तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है, और मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, ये 4 विकल्प हैं, 4 में से सभी लोग चयन करेंगे, उत्तर क्या होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल। जो आपका पहला नंबर विकल्प है वो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमने एक प्रश्न देख लिया कि एक प्रश्न पूछा गया संधि का, ठीक है, संधि का प्रश्न पूछ लिया गया। दूसरा पूछ लिया गया शुद्ध शब्दों, शुद्ध रूप आपको बताना है ना, शब्द शुद्धि, वर्तनी सुधार से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया गया। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा है संचय के लिए सही संधि विच्छेद को, फिर से संधि का आया है प्रश्न आपके लिए, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को आपको बताना है। पहला विकल्प है संधनचय, समधनचय, समधनचय और संधनचय। अब संचय का आपको बताना है, मैंने संधि आपको बताई है और ऐसी पहचान बताई है कि अगर आपकी ऊपर यहां पर जो बिंदी आती है ना, अगर आपसे यहां पर पूछा होता कि संचय में कौन सी संधि है ना, तो मैंने ऐसी ट्रिक बताई कि आप शब्द को देखते ही संधि बताते। तो संधि का वीडियो अवश्य देखना है आपको, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, समधनचय, ठीक है। अगर पहले अक्षर के ऊपर बिंदी आ जाए तो यहां पर जब आप विच्छेद करते हो तो क्या हो जाता है, मां हो जाता है, ठीक है, मां, ये मां हो गया और चय आपका ज्यों का त्यों हो गया, तो समधनचय,
संचय हो जाएगा, तो विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? मृत्यु निकट आना, निरक्षर, किसी व्यक्ति के ईमान या चरित्र पर संदेह करना, या फिर देने से साफ मना कर देना। अब देखो आपका एक शब्द शुद्धि का प्रश्न हो गया, ठीक है, दूसरा जो हो गया वो काय का हो गया, संधि विच्छेद का हो गया, तीसरा जो आपका प्रश्न आया वो काय का आया, मुहावरे का आया। तो आप नोट्स करते जाएं, आपको ये सारे के सारे पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। सिलेबस भी बता देंगे, सिलेबस का वीडियो भी मैंने डाला है और संधि का वीडियो भी मैं लिंक दे दूंगा। जितने भी साथी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है उससे जुड़ जाएं, तो संधि आप कभी नहीं भूल सकते, ट्रिक के माध्यम से भी और विस्तार से भी, ताकि आपके कभी गलत ना हो। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, निरक्षर, अंगूठा छाप होना यानी कि निरक्षर होना, और वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न अपने देखे, 2 संधि के हो गए, 1 मुहावरे का, 1 शब्द शुद्धि का। अकस्मात का शुद्ध रूप बताना है आपको, यहां पर फिर आपका अकस्मात का शुद्ध रूप आया शब्द शुद्धि से संबंधित। तो ये 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, कुछ लोग दोनों जगह जुड़ चुके हैं, और जो भी साथी कर रहे हैं निरंतर तैयारी वो निरंतर बिल्कुल करते रहे। अब अपन क्या करेंगे, जो भी नोट्स होंगे वीडियो के साथ आपको PDF की लिंक भी मिलेगी, ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और ग्रुप से भी जुड़ जाए तो ग्रुप में भी आपको PDF दी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको बताना है फिलहाल यहां पर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अकस्मात, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, अकस्मात का शुद्ध रूप जो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनो। अब देखो हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए अभी तक, 5 पढ़ लिए, 5 में 2 संधि के आए प्लस 2 शब्द शुद्धि के आए प्लस 1 मुहावरे का आया। ठीक है, सभी लोग ये आपको जजमेंट लगाना है कि कितने कैसे प्रश्न आ रहा है और कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, आग के लिए अब एक जो क्वेश्चन आ गया वो पर्यायवाची का आ गया कि पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, आग है ना। एक क्वेश्चन अभी MP TET में भी पूछा गया था, अग्नि अनिल रैन, अग्नि अनिल त्रियामा, अग्नि अनिल पावक, तमी अनिल पावक। अब इसकी पर्यायवाची शुद्ध क्या है, इसी प्रकार से पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं व्यापम में। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, अग्नि अनल और पावक। अग्नि, याद रखो, अग्नि अनल और पावक। ठीक है, अब एक शब्द और आता है, कौन सा, अनिल, एक आता है अनिल, अनिल वायु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अनिल और अनल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अनल आप याद रख लेना, अग्नि अनल और पावक ये आग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो अब आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है, अभी तक संधि पढ़नी थी, पर्यायवाची भी पढ़ना है। ठीक है, आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, आवट, आवती, मिलावट, आवंटी और आवटी। तो आपसे प्रत्यय भी पूछे जाएंगे, देखो पूरा प्रत्यय, मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस भी बता दूंगा, ये ओल्ड पेपर के माध्यम से पूरा का पूरा एक अध्ययन करके अपन को पता चल जाएगा कि पूछा क्या क्या गया है। ठीक है, तो उस प्रकार से अपन को अध्ययन करना है, अध्ययन की एक जो है न्यू बनाना है। तो आवट प्रत्यय, यहां प्रत्यय भी पूछ लिया गया आपका, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मिलावट। आवट में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, मिलावट प्रत्यय है ना, मिलावट में आवट प्रत्यय है, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द बताना है अब आपको। देखो प्रत्यय का भी एक क्वेश्चन हो गया, मुहावरे का भी हो गया, पर्यायवाची का भी हो गया, और विलोम भी आपको पढ़ना है। तो कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर, मघोर, मधुर, मधुर या फिर माधुर, जल्दी से बताएं जिनसे बनता है कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा। आपकी रोज डेली क्लास होगी शाम को 8 बजे, रात्रि 8 बजे, ठीक है, रात्रि 8 बजे रोज क्लास होगी, जेल प्रहरी, जेल प्रहरी एग्जाम और पुलिस, ठीक है, पुलिस एग्जाम से संबंधित। तो आपको जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, मधुर, कर्कश का विलोम हो जाता है मधुर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अद्भुत का रस, अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या है? तो देखते जाना है आप, संधि हो गया आपका, है ना, रस भी आ गया यहां पर, रस। तो अद्भुत रस का स्थाई भाव बताना है आपको, अनोखा है, विलास है, विस्मय है या फिर भयानक है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विस्मय। विस्मय यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको रस भी पढ़ना है, स्थाई भाव भी पढ़ना है, ठीक है, कौन सी पंक्ति में कौन सा रस होगा वो भी आपको जानना है, पहचानना है। तो ये टॉपिक अपने क्लियर होते जा रहे हैं जेल प्रहरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रस भी पढ़ेंगे आप, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब यहाँ पर उपसर्ग पूछ लिया गया आपसे, वी उपसर्ग से बताना है आपको। अभी तक हमने प्रत्यय पढ़ा था, अब उपसर्ग भी हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गया, ठीक है। तो वी उपसर्ग से बना जो शब्द है वो कौन सा है, विराम, कवि, विराम या फिर अवि। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हमें लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विराम, वी उपसर्ग से बना जो शब्द है वो हो जाएगा विराम, है ना, वी धन आपका हो जाएगा राम। तो ये वी उपसर्ग आपका बिल्कुल सही होगा विकल्प नंबर 1, बहुत बढ़िया। अगला देखो, वेतन के बिना कार्य करने के लिए एक शब्द, निम्न में से कौन सा सही है? वेतन के बिना कार्य करने के लिए, अब एक शब्द में भी आपसे उत्तर पूछ लिया गया, तो बिना वेतन, अवैतनिक, अवेतनिक या फिर आवेतानिक, तो जल्दी बताएं। ये जो हिंदी के 20 हैं इनमें से आपको 20 ही चाहना है, 20 नंबर ही आपको लाना है, ठीक है, क्योंकि पिछले की जो मेरिट लिस्ट गई थी वो जेल प्रहरी की 78 नंबर की गई थी, ठीक है, 2018 में। अब आपको जनरल में लाना है 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर आपको लाने हैं, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए और आपका बिल्कुल सही होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि अवैतनिक। वेतन के बिना कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा अवैतनिक, को 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? नर नारी, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो नर नारी में समास बताना है आपको, तो समास भी यहाँ पर पूछ लिया गया, रस भी पूछ लिया गया, उपसर्ग प्रत्यय आपके हो गए, पर्यायवाची विलोम हो गए, मुहावरे हो गए, एक शब्द में हो गए, संधि हो गई, ठीक है। ये टॉपिक आप देखते जाएं और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? तो नर और नारी, नर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा द्वंद्व समास। नर और नारी में जो समास है वो क्या होगा, ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ठीक है वो सही होगा। द्वंद्व समास की मैंने कभी पहचान आपको बताई थी कि एक तो योजक चिन्ह आता है, दूसरा दोनों शब्द जो होंगे वो एक दूसरे के विलोम होंगे, ठीक है, या फिर आपका और जो है ये वाचक शब्द लगा होगा। तो इस प्रकार से नर और नारी हो जाएगा, नर के बीच आपको योजक चिन्ह दिख रहा होगा, नर नारी के बीच, नर और नारी एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं। तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं समास पढ़ने के, थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अब एक शब्द आपका फिर से पूछ लिया गया थोड़ा जानने वाले के लिए, तो पहला अल्पगा, अल्पज्ञा, अल्पज्ञा या फिर अल्पज्ञ या फिर अल्प बुद्धि, क्या कहेंगे थोड़े जानने वाले के लिए, एक शब्द में आपको उत्तर बताना है, तो क्या कह पाएंगे आपको, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। थोड़ा जानने वाले के लिए अल्पज्ञ, है ना, बोस गेमिंग, पीयूष जी, है ना, सही उत्तर बता रहे हैं आप लोग, प्रयास कर रहे हैं। हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है? तो हाथों हाथ आपको बताना है, अभी पूछ लिया गया था क्या, नर नारी, नर नारी में पूछा गया था समास कौन सा है, तो आपने द्विगु समास बता दिया। अब हाथों हाथ में आपको समास बताना है, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास, कौन सा समास होगा हाथों हाथ में? तो अब आपको समास पढ़ना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आता है दिनों दिन, है ना,
दिनों दिन में भी अव्ययी भाव समास होता है। समास को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे। हाथों हाथ में आपका अव्ययी भाव समास यानी जो विकल्प नंबर आपका एक है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो कर्मठ का कौन सा सही विलोम शब्द है तो जल्दी से बताएं। दो संधि के प्रश्न हो गए, दो विलोम के हो गए, दो समास के हो गए, दो एक शब्द के हो गए। ठीक है, तो कर्मठ का आपको विलोम शब्द बताना है, निताला, निठल्ला, निचला या फिर कर्मठी। प्रश्न क्रमांक 15, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निठल्ला। निठल्ला यानी जो विकल्प नंबर आपका टू है वो बिल्कुल सही होगा। कर्मठ का विलोम शब्द होता है निठल्ला। ठीक है, निठल्ला टू नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल बलि सूखी सुगद इह रूखी रूख धाम फेरी डहड्डी कीजिए सुरस सांच घनश्याम, कौन सा अलंकार है। तो अलंकार भी आपके यहां पर आ गया, कौन सा आ गया अलंकार, तो जल्दी से बताएं कौन सा अलंकार है इसमें। अलंकार मैंने पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से आपको करवाया भी है, ट्रिक भी आपको बताई है, और यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास, है ना, जहां पर एक ही अक्षर की अगर बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे यहां पर बाबा की आवृत्ति हुई है ना, सा सा कवि आवृत्ति हुई है, तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, अनुप्रास, यानी कि तीन नंबर आपका सही होगा। ठीक है, तीन नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राधा केवर वन सुनी, राधा केवर वन सुनी चौनी चकत सुभाए दाक दुखी मिश्री मुरी सुधा रही सकुचाए, कौन सा अलंकार है। अलंकार के भी दो प्रश्न हो गए यहां पर, राधा केवर वन सुनी चौनी चकत सुभाए दाक दुखी मिश्री मुरी सुधा रही सकुचाए। प्रश्न क्रमांक 17 जल्दी से बताएं, तो आपके 17 नंबर में आपका उत्तर फिर से हो जाएगा क्या, अनुप्रास अलंकार, तीन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो अलंकार के भी आपके दो प्रश्न हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, दुर् उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, दुर्भाव, दुराभाव, दूरभाव या फिर दुर्भाव। दुर् उपसर्ग से बताना है, आपने पढ़े होंगे, प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दुर्भाव। दुर्भाव यानी विकल्प नंबर आपका जो चार है वो क्या है, सही है। दुर्भाव में दुर् उपसर्ग से बना शब्द है, और यहां पर आपने देखा कि उपसर्ग के दो शब्द, दो प्रश्न पूछे गए उपसर्ग के। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल देखते जाएं बहुत अच्छे से। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोलन की। अब यहां से आपसे पूछा गया दोस्तों रस, रस कौन सा है इसमें, बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोलन की। भक्ति रस है, वात्सल्य है, श्रृंगार है या फिर शांत रस है, ये चार विकल्प हैं। रस के भी आपके दो प्रश्न हो चुके हैं, 20 प्रश्नों में अपन ने देखे, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, है ना, अधिकांश टॉपिक से दो दो प्रश्न पूछे गए, और आपका वरदंत की पंगत कुंद करी में हो जाएगा वात्सल्य रस, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका टू है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, वात्सल्य रस, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, और टू नंबर आपका वात्सल्य रस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, तो पर्यायवाची के भी दो हो गए। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, जेल प्रहरी जो आपका एग्जाम है हिंदी के 20 प्रश्न, टारगेट 20 में से 20, टारगेट क्या है अपना 20 में से 20, है ना, कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की जो पंक्ति है वो कौन सी हो जाएगी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों राजीव, नीरज और सरोज, है ना, यानी कि राजीव, नीरज और सरोज, ये आपका कमल का पर्यायवाची सही होगा, विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, संधि, दो प्रश्न पढ़े, पर्यायवाची दो प्रश्न पढ़े,
है ना, विलोम के भी आपके दो प्रश्न आए, मुहावरे का आपका एक प्रश्न आया है, उसके बाद प्रत्यय का आपका एक आया है, उपसर्ग के आपके दो प्रश्न हुए हैं, ठीक है, समास के भी आपके दो प्रश्न हुए, रस के भी आपके दो प्रश्न, अलंकार के भी दो प्रश्न हुए, ठीक है। अब यहाँ क्या नहीं पूछा गया, छंद नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो अपना ओल्ड पेपर होगा उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर लगभग आपके दो दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, 20 में से 20 सही किए हैं। अगर बॉस गेमिंग, मदन जी, उमेश जी, है ना, पीयूष जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं जेल प्रहरी की तैयारी, जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और इसी प्रकार से तैयारी को निरंतर जारी रखेंगे। रोज़ 8 बजे आपकी क्लास होगी, सबसे पहले हम ओल्ड पेपर निपटाएंगे ताकि हमें अनुभव हो सके कि प्रश्न पूछे किस प्रकार के जाते हैं, ठीक है। आज आपने हिंदी के प्रश्न पढ़े, और हिंदी में आपको जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है उनको पता चल गया कि हमें हिंदी में पढ़ना क्या है, ठीक है, और किस प्रकार के, किस लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई सभी को। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पूरा का पूरा एक एक चीज़ बताता गया कि आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है, शब्द शुद्धि भी पढ़ना है, एक शब्द भी पढ़ना है, एक शब्द, है ना, एक शब्द में उत्तर भी पढ़ना है, मुहावरे भी पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी हैं बहुत अच्छे से। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।